शास्त्री जी की जो जीवन यात्रा थी वह सामान्य परिवार से शुरू होकर देश के प्रधानमंत्री पद पर जाकर ख़त्म हुई। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी गहरी और सही समझ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था और उन्होंने कहा भी था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। और इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था कि शास्त्री जी के मार्गदर्शन के नीचे ही मैंने अपना राजनीतिक जीवन है वह शुरू किया है। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पद पर रहे। यानी कि अलग अलग पदों पर वह रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। बाद में पंडित नेहरू के कहने पर उन्हें केंद्र में लाया गया केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। और केंद्र में आकर उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उन्होंने मंत्री पद संभाला। यह सभी है जो बड़े बड़े खाते हैं, इन सभी बड़े बड़े खातों में उनको मंत्री पद है वह संभालना पड़ा। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। इन अलग अलग पदों पर रहकर भी शास्त्री जी ने बहुत अच्छा कार्य कर दिखाया और वह उनकी दक्षता थी। वह चाहे किसी भी पद पर हो, कोई भी खाते में हो, वह बड़ी ही आसानी से अपना कार्य करना जानते थे। तो अलग अलग पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी प्रशासकीय दक्षता का उन्होंने प्रमाण दिया और वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण भी बने। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार के अनौपचारिकताओं से परे होता था। वह उनका दृष्टिकोण है वह अत्यंत एकदम वह व्यावहारिक होता था और सभी प्रकार की अनौपचारिकताओं से परे होता था उनका दृष्टिकोण। वे सिर्फ कर्म को ही प्राधान्य देते थे। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। वह खुद को या अपने पद को कभी भी ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। वह ऐसा मानते थे कि वह जनता के शासक नहीं है बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। और ऐसी भावना से कार्य करते हुए शास्त्री जी को अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, लोगों ने उन्हें बहुत पसंद भी किया, पर मंत्रालय में वह लोकप्रिय बनते बनते वह पूरे देश में अपनी इस भावना के कारण वह पूरे देश में लोकप्रिय बने और पूरे देश में भी उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और उनकी इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की वह एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए और 19 महीने के एक छोटे से समय में उन्होंने जो समस्याएं उन्होंने सुलझाई और लाल बहादुर शास्त्री जी को जितनी सफलताएं मिली वह और उन्हें जो लोकप्रियता प्राप्त हुई वह एक उदाहरण थी।
शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। उन्हें अपना लक्ष्य अपनी नज़र के सामने, अपनी आँखों के सामने वह अपने जो लक्ष्य है उन्हें देख सकते थे। उनका लक्ष्य एक ही था कि सच्चे भाव से और सच्चे दिल से लोगों की सेवा करना, और अपने इसी कार्य को वह अपना कर्म मानते थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। वह हमारे देश के कई जो बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण पद है उन पर शास्त्री जी रहे, और उन पर रहना उनका अधिकार भी था क्योंकि वह उसके लायक थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, लेकिन वह हमेशा वह धीरज से ही कार्य करते थे तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तहरीज दी, तथा अधिकारों से ज़्यादा उन्होंने अपने कर्तव्यों को ज़्यादा महत्व दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके, और शास्त्री जी के इन्हीं गुणों के कारण वह इतने ज़्यादा लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कहा। वह अलीगढ़ की जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उनके दीक्षांत समारोह में, यानी कि जो विद्यार्थियों को स्कूल के द्वारा जो आखिरी जो विदाई दी जाती है वह उस कार्यक्रम में वह सम्मिलित हुए, और 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित यानी कि उनको उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था, कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कुछ इस प्रकार के व्यक्त अपने जो विचार है इस प्रकार उन्होंने व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप भविष्य में जो कुछ भी बनना चाहते हो, आपकी मंजिल जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। आपकी मंजिल चाहे जो कोई भी हो, पर आप में से हर एक को यह बात सोचनी चाहिए कि सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, और यही सोच आपको संविधान द्वारा नक्की किए हुए पक्के किए हुए कुछ अधिकार देती है, पर अधिकार देने के साथ साथ यह बात आपको कुछ कर्तव्यों का भी बोझ देती है कि आपके क्या कर्तव्य है, आपका क्या फर्ज है, जिसे हमें समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, हमारा देश प्रजासत्ताक है, प्रजा के द्वारा यह चलाए जाने वाला हमारा देश है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, जो सबको अपनी निजी पर्सनल स्वतंत्रता देता है। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए, परंतु इस अधिकारों का उपयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए एवं व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए कुछ कायदे कानूनों के तहत, प्रतिबंधों के तहत यह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी। हमारे जो अधिकार है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है हमारे देश के प्रति, उसके बारे में, और आत्मसंयम, हमारे खुद पर हम कैसे काबू रखें, संयम रखें, उसके बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वह शास्त्री जी ने बताई थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। तो इस पाठ में शास्त्री जी का पूरा जीवन दर्शन है हमें दिखाया गया है, कि शास्त्री जी कौन थे, शास्त्री जी क्या थे, और शास्त्री जी की विचारधारा क्या थी,
यह सारी बातें हमें इस पाठ में जानने को मिलती है। शास्त्री जी का पूरा जीवन है वह कर्मों से भरा हुआ था। वह अपने कर्म को ही भगवान मानते थे और वह जो भी कर्म करते वह संपूर्ण वह कर्म करने के लिए वह अपना संपूर्ण योगदान देते। बहुत परिश्रम करके वह कोई भी कार्य है वह संभाव से करते थे। तो इस पाठ में हमें शास्त्री जी का पूरा जीवन दर्शन है वह देखने को मिलता है। तो पाठ के अंत में यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं तो हम उन्हें जान लेते हैं। दायित्व, दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। निष्काम, निष्काम यानी कि बिना फल की अपेक्षा किए अनासक्त। समर्पण यानी कि सौंपना, अर्पित करना। समन्वय यानी कि संयोग। निहित, भीतर रहा हुआ, अंतर्गत। आस्था, श्रद्धा या विश्वास। विरासत, अधिकार, ने गुजराती में कहिए तो वारसो। आह्वान, आह्वान यानी कि ललकार या चुनौती। उन्मूलन, जड़ मूल से नष्ट करना। दक्षता यानी कि निपुणता। तहरीज यानी कि प्राधान्य, अग्रिमता। प्रदत्त यानी कि दिया हुआ। निर्वाचित, निर्वाचित यानी कि चुना हुआ। दीक्षांत समारोह, विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। वो प्रमाण पत्र देते हैं और छात्रों को वहाँ से विदा भी करते हैं, तो वह उत्सव का नाम है दीक्षांत समारोह। तो यहाँ पर हमारा यह जो चौथा पाठ है वह पूर्ण होता है। थैंक यू। अस्तु।